हम वहाँ पे स्कूल पढ़ने जाते थे तो वहाँ की हमारी जो सहेलियां थी, दोस्त थी, वो भी हमारे साथ खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीते थे और बोलते थे आप इस्लाम कबूल कर लो, आप बुतों की पूजा करते हो, अल्लाह तो एक ही है, पूजा सिर्फ अल्लाह की होती है, ऐसा कह के हमें वो करते थे, बोलते थे हिंदू तो सही नहीं है, मुसलमान बनना अच्छा है, आप मुसलमान बन जाओ। हमारी कुछ बहनें थी, कुछ कजन थे, इनको उठा के लेके गए थे लाहौर। वहां से हम लेने गए तो वो बोल रहे थे कि हम तो इन्हें नहीं देंगे, उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, अभी ये मुसलमान बन गए। तो हमारी जो कजन दीदी थी वो भी बोल रही थी कि नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला इन्होंने किया है, हम देंगे ही नहीं, तो उन्होंने दिया ही नहीं। सिर्फ 6 बहनों ने, बहनें हमारे पास आई, दूसरों को पता नहीं उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, कुछ पता आज तक नहीं चल रहा उसको। बात के अंदर 300 मकानों को आग लगा दी, लेकिन हम लोग बहुत कुछ पूछताछ की, कौन लगा बोलो कोई नहीं पता, लेकिन बहुत नुकसान हमारा माल सामान कपड़े। कार निकाब डालो, ऐसे नहीं घुमा करो, तो वहाँ बाहर निकलना मुश्किल था हमारा। ऐसी बहुत सारी परेशानी थी, पढ़ने जाते थे तो भी परेशानी, टीचर बोलती थी, हमारी सहेलियाँ बोलती थी हमारे साथ पानी नहीं पीती थी, बोलती थी कि नहीं आप अपना करो, हम अपना करेंगे, आप नमाज पढ़ो, हमारे साथ रहो, आप क्यों बंदरों की पूजा पूजा करती है। जब जो क्रिश्चियन है उनको भी तकलीफ होती है, और पारसी तो वहाँ से माइग्रेट करके चले गए, क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, हम तो बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन हमें बहुत तकलीफ थी। वहाँ पे तो पढ़ाना भी दुश्वार था, हमारे बहुत सारे लोग है वो तो पढ़ाते भी नहीं बच्चों का, डर लगता है, वहाँ पे झाड़ू पोंछा कराते हैं उनसे, बोलते आप हिंदू हो आप ये काम करो। किस्म की जहाँ धंधा करते धंधा नहीं करने देते थे हिंदू के बिना पर, और हिंदू को काफर समझा जाता है वहाँ पे। बहुत सारी परेशानी सामने आई कि काम करना मुश्किल हो गया, हमारे भाइयों का, हस्बैंड पतियों का, हमारे घर से बाहर निकलना, लेडीजों का, बंदों को बोल रहे मंगलसूत्र नहीं डालो, हिंदू हो सिंदूर नहीं लगाओ, पथारा नहीं लगाने देते थे, बोलते थे आप गैर मुस्लिम हो, ये मुस्लिम है वो धंधा करेंगे, और आपको अगर धंधा करना है तो अपना मजहब चेंज करें। हमारी तो भारतीय सरकार और भारतीय जनता से यही निवेदन है, मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई हम जैसे जो है शरणार्थियों को शरण दें और जो है हमें सपोर्ट करें धर्म के नाते। हम आप मुसलमान भाइयों का कोई हक छीनने नहीं आए, हम आपसे मिस्री की तरह दूध के अंदर घुल मिलना चाहते हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि वो इस बिल को समझे और हमें भाइयों की तरह अपनाए। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू अमित शाह, जो आपने ये नेशनलिटी का बिल पास किया, और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू अमित शाह सर, हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं, आपको नमन करते हैं कि आपने ये बिल पास किया, हम बेटियों को सम्मान दिया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद अमित शाह साहब, धन्यवाद।